हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एनडीए ऑन 2009 का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है जो कि एनडीए ऑन 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ स्टेट डज नॉट रिसीव द मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम SW, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ स्टेट डज नॉट रिसीव, यहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया डज नॉट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग, यहाँ पे जो मंथ दिया गया है ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर। ऑप्शन ए में दिए गए अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। बी में देखे असम एंड कर्नाटका, एंड सी में देखे हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, एंड डी में देखे तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर। देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया डू नॉट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए एसर्शन दिया गया है एंड यहाँ पे रीजन दिया गया है। एसर्शन में दिया गया द इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल, एंड रीजन में देखे द इक्वेटर इन सर्कल्स द होल अर्थ एंड इट्स प्लेन डिवाइडेड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। ऑप्शन ए में देखिए बोथ ए एंड आर इंडिविजुअल ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए एंड आर जो है एसेशन देखिए ये बोथ ट्रू है एंड आर जो है ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का है। एंड ऑप्शन बी में देखिए बोथ ए एंड आर इंडिविजुअल ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी में देखिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दियो। तो तब तक इसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आप एसेशन दिया गया द इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल, जी ये बिल्कुल ठीक है। एंड रीजन दिया गया द इक्वेटर इन सर्कल द होल अर्थ एंड इट्स प्लेन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, तो ये भी इसका कारण है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअल ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए मैच लिस्ट ऑन से टू लिस्ट में मैच करने बोला गया है। यहाँ पे दिए गए लिस्ट ऑन में पिक एंड लिस्ट टू में देखे स्टेट का नाम। ए में दे गए है दुधाबेता, बी में दे गए है गुड़शेखर, सी में देखे कालसुबाई, एल होगा कालसुबाई, एंड डी में देखे धूपगढ़। एंड लिस्ट टू में आप देख पाओगे दिया गया स्टेट का नाम जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। आपको लिस्ट वन से लिस्ट टू में मैच करना हो बोला गया। कोड में देखे 3142, 2143, 3412, डी में देखे 2413। इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है दुधा बेता, मान लो आपको दुधा बेता पता है, दुधा बेता कहाँ पे है, तमिलनाडु। ए थ्री के साथ किसके मैच कर रहे हैं, ए थ्री के साथ ए मैच कर रहा है एंड सी मैच कर रहा है, बाकी जो बी एंड डी है वो नहीं मैच कर रहा, तो बी एंड डी यहाँ से एलिमिनेट होगा, यानी कि ए एंड डी सॉरी बी एंड डी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बाकी क्या रह गया, ए एंड सी रह गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हुए, यहाँ पे आप देख पाओगे धूपगढ़, तो आपको मतलब कुछ भी तो याद होगा ना, धूपगढ़ कहाँ पे है, आप इंडिया की तैयारी करने के, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो पी ओ की इंडिया ऑन 2009 का धूपगढ़, जो धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में, तो डी टू के साथ मैच कर रहे थे। यहाँ पे डी टू के साथ किसके के मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ए डी देख पाओगे तो डी, यहाँ पे टू के साथ सी में भी मैच कर रहा है, ए में भी मैच कर रहा है, तो आप इससे एलिमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ 50% एलिमेंट हो गया हो गया है। नाम यहाँ पे देख पाओगे गुरु शेखर कहाँ पर है, तो आप गुरुशिखर है राजस्थान में, एंड कालसुबाई है जो कि महाराष्ट्र में, तो कालसुबाई महाराष्ट्र में, गुरुशेखर जो कि बी के साथ किसके मैच कर रहे हैं फोर, तो यहाँ पे देख पाओगे बी के साथ फोर सी में मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा सी।
यानी कि 3-4-1-2, एंड जो बाकी रह गए काली सुबाई वो महाराष्ट्र के साथ एंड गुरुशेखर जो कि राजस्थान के साथ मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा सी यानी कि 3-4-1-2 इज द राइट आंसर। तो ये आप अच्छे से करिए एंड इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे फेज टू में मैच करने बोला गया है। लिस्ट वन में देंगे फिशिंग बैंक एंड लिस्ट टू में देंगे कोस्ट। यहाँ पे देख पाओगे ए डोगर बैंक देंगे, बी ग्रैंड बैंक, सी में ग्रेट बैरियर रीफ एंड डी में टोंगा ट्रेंच आइलैंड। लिस्ट टू में देंगे जो कोस्ट का नाम दिया गया, वन में देंगे न्यू फाउंडलैंड कोस्ट एंड बी टू में देंगे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, थ्री में देंगे नॉर्थ सी एंड फोर में देंगे ईस्ट ऑफ फिजी। यहाँ पे ए बी सी डी कोड दिया है, आपको मैच करना होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। ए बी सी डी दिया है एंड 3-1-2-4, बी में देगा 4-2-1-3, सी में देगा 3-2-1-4, 4-1-2-3, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे डोगर बैंक, डोगर बैंक कहाँ पे है, डोगर बैंक, डोगर बैंक है नॉर्थ सी में, यानी कि ए थ्री के साथ मैच करता है। ए थ्री, तो ए थ्री के साथ मैच करते हैं मतलब ए हो सकता है और बनना सी हो सकता है, बी एंड डी जो है एलिमेंट होगा, यानी कि बी एंड डी नहीं हो सकता इसका आंसर। एंड अगला में दिया गया है ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक सी में दिया ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में। सी टू के साथ मैच कर रहे, सी टू के साथ मैच कर रहा है, यानी कि ये जो सी है टू के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि सी नहीं हो सकते इसका आंसर, सी नहीं हो सकते। बी सी डी ए एलिमेंट हो गया, इसका आंसर ए हो सकता है, यानी कि 3-1-2-4 इसका आंसर हो सकता है। एंड बी ऑन के साथ, बी ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कोस्ट में, एंड जो टोंगा ट्रेंच आइलैंड है वो है ईस्ट ऑफ फिजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3-1-2-4। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैप में दिया गया है न्यू फाउंडलैंड जो कि यहाँ पे ग्रैंड बैंक दिया है, एंड यहाँ पे देख पाओगे आप डुगर बैंक जो कि नॉर्थ सी में है, ये है यूरोप का जर्मनी, आप देख सकते हैं, ये है यूके। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है ग्रेट बैरियर रीफ, सॉरी। यहाँ पे देख पाओगे फिजी, फिजी एंड यहाँ पे आप देख पाओगे टोंगा। यहाँ पे जो ओल्ड मैप में आप देख पाओगे ये है ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ, नॉर्थ सी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कोस्ट, तो ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कोस्ट होगा यहाँ पे देख पाओगे, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कोस्ट। एंड ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे फिजी टोंगा एंड डुगर बैंक, यहाँ पे डुगर बैंक देख पाओगे, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ देख पाओगे, तो यहाँ पे देख पा रहे फिजी, यहाँ पे होगा टोंगा, ईस्ट ऑफ फिजी टोंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया गया है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर कॉमन इन, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर कॉमन इन। ऑप्शन ए में दिया डिजर्ट, ऑप्शन बी में दिया प्लेटोज एंड सी में माउंटेन्स रीजन एंड डी में डेल्टास। तो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स कॉमन कहाँ पे होता है, ऑप्शन ए में डिजर्ट, प्लेटो, माउंटेन्स रीजन एंड डेल्टा। तो इसका आंसर रहेगा डी यानी कि डेल्टास। तो डेल्टा कैसे यहाँ पे देख पाओगे, डेल्टा ए ड्राई पॉइंट इज एन एरिया ऑफ फार्म ऑफ फ्लड फ्री ग्राउंड इन एरिया ऑफ वेट लैंड मार्स और फ्लड प्लेन्स। नाम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट दिया गया है, साइट दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ड्राई पॉइंट वन हायर ड्राई एरिया क्लोज टू वेट लैंड मार्सेस और फ्लड रिवर्स। यहाँ पे दिए गए है वेट पॉइंट, ड्राई पॉइंट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर वेट लैंड मार्स और फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में पूछे गए वन मैच लिस्ट ऑन से लिस्ट टू में मैच करने पूछा गया है। यहाँ पे हिमालयन पीक्स दिया गया है एंड यहाँ पे स्टेट दिया गया है। तो यहाँ पे ए में दिया गया है नंगा पर्वत, बी में नंदा देवी, सी में कंचनजंगा। तो मान लो आपको कंचनजंगा पता है, तो कंचनजंगा कहाँ पे है, कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलेगा, यानी सी टू के साथ मैच कर रहे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सी टू के साथ किसके मैच कर रहे हैं,
बी भी मैच कर रहा है, डी भी मैच कर रहा है, यानी कि सी और ए एलिमेंट हो गया, यानी कि सी एंड ए नहीं हो सकता। तो आपको कांचनजंगा जो है सिक्किम में, एंड यहाँ पे देख पाओगे नंदा देवी पर्वत एंड नंगा पर्वत। नंदा देवी पर्वत आपको पता है नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? नंदा देवी पर्वत जो है वो है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे बी थ्री के साथ मैच हो गया। एंड जो नंगा पर्वत है वो है, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1-3-2। नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, एंड कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए में देखे भीमा, गोदावरी, पेनगंगा, तुंगभद्रा। ऑप्शन बी में देखे गोदावरी, पेनगंगा, तुंगभद्रा, भीमा। ऑप्शन सी में देखे पेनगंगा, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा। एंड ऑप्शन डी में देखे पेनगंगा, भीमा, गोदावरी, तुंगभद्रा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस पता ना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये आप इसका नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, यानी कि नॉर्थ टू साउथ आपको बताना होगा। नॉर्थ टू साउथ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, पेनगंगा, गोदावरी, भीमा, तुंगा भद्रा। पेनगंगा, गोदावरी, भीमा, तुंगा भद्रा। आपको लिए एक मैप मैंने लगा दिया है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे पेनगंगा, यहाँ पे देख पाओगे गोदावरी, यहाँ पे देख पाओगे तुंगभद्रा। पेनगंगा, गोदावरी, ये हो गया पेनगंगा, गोदावरी, तुंगभद्रा। और यहाँ क्या पूछा है? पेनगंगा, गोदावरी, तुंगभद्रा, भीमा। और यहाँ पे देख पाओगे भीमा, तो मिल गया पेनगंगा पहले है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद भीमा, उसके बाद तुंगभद्रा। ये जो स्लाइड है इस स्लाइड को आपको पास रख लीजिए, ये स्लाइड इतना इम्पोर्टेंट है क्या ही बोलूँ। यहाँ पे देख पाओगे इंदुस रिवर, झेलम, चेनाब, सतलेज, बियास। आप किसी के साथ किसी को आपको नॉर्थ टू साउथ पूछ लेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए लिस्ट वन में दिए एंड लिस्ट टू में, लिस्ट वन में देखे वोल्केनो एंड लिस्ट टू में देखे कंट्री। क्वेश्चन ए में दिए गए माउंट एटना, बी में किलिमंजारो, सी में काटमाई एंड डी में दिए गए बैरन आइलैंड। सपोज आपको पास कुछ नहीं पता तो आपको एक ही पता है माउंट एटना कहाँ पे है आपको पता ही होगा, और बैरन आइलैंड जो है वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे मान लो आपको माउंट एटना, तो माउंट एटना कहाँ पर है? आपको इटली में मिलेगा। तो यहाँ पे आप ए फोर के साथ मैच करते हो, यहाँ पे ए फोर के साथ क्या क्या मैच कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑन के साथ मैच कर रहे हैं। डी मैच कर रहे हैं, जी मैच कर रहे हैं, सी नहीं मैच कर रहे हैं। तो ए एंड सी जो है वो एलिमिनेट हो गए, यानी कि ए एंड सी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख पाओ माउंट एटना जो कि इटली के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। नाम आपको पता है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड कहाँ पर है? इंडिया में, आपके इंडिया में है। तो डी, डी ऑन के साथ किसका मैच कर रहे हैं? तो यहाँ पे देख पाओगे डी जो है डी में भी ऑन के साथ मैच कर रहा है और बी में भी ऑन के साथ मैच कर रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। नाम यहाँ पे देख पाओगे किलिमंजारो एंड कटमाई। तो किलिमंजारो किसका होगा? किलिमंजारो होगा तंजानिया का, किलिमंजारो होगा तंजानिया का। जो किलिमंजारो है वो होगा तंजानिया का, एंड जो कटमाई है वो होगा यूएसए का। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, बी नहीं होगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिए गए सिरसा, हेमावती, सिरसा, हेमावती, अर्कावती आर द ट्रिब्यूटरीज, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। क्वेश्चन में सिरसा, हेमावती, अर्कावती द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ऑप्शन में देखिए तापी, तुंगभद्रा, कावेरी, डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कावेरी। तो मैंने इसका स्लाइड नहीं लगाया, नेक्स्ट क्लास में इसका जो कावेरी रिवर का जो
ट्रिब्यूटरी है उसको मैंने लगा दूंगा, तो ठीक है आप देख लेंगे। ये है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हुच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन अर्थ। यहाँ पे स्मॉलर साइज देन अर्थ ऑप्शन ए में देखे नेपच्यून, वेनस, सैटर्न एंड यूरेनस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हुच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेनस। वेनस इज स्मॉलर देन अर्थ। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है आप देख सकते हैं, पहले है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी, देन वेनस एंड मार्स एंड मरकरी आर स्मॉलर देन अर्थ। तो इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो देख पाओगे पहले है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी, जो इसका साइज है मैंने स्लाइड में लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, एस्ट्रॉयड बेल्ट किसका किसका बीच में है। तो ऑप्शन ए मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट से, तो आपको ये भी पूछ ले सकते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे जो करेक्टली मैच नहीं क्या है, ऑप्शन ए में दे प्री जी मेरिडियन 0 डिग्री, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन 180 डिग्री, आर्कटिक सर्कल 66 टू नॉर्थ 20 डिग्री एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री टू साउथ 2। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ये नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 टू साउथ 2 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस इन लोकल टाइम्स बिटवीन द प्लेस लोकेटेड इन 165 ईस्ट एंड 165 वेस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द प्लेसेस लोकेटेड एट 165 ईस्ट एंड 165 वेस्ट। ऑप्शन ए में देखिए 0 आवर्स, ऑप्शन बी में 12 आवर्स, ऑप्शन सी में 22 आवर्स एंड डी में देखिए 24 आवर्स। इसका आंसर है सी, यानी कि 24 आवर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम बिटवीन द प्लेस लोकेटेड 165 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 आवर्स। यहाँ पे एक स्लाइड लगा दिया मैंने, यहाँ पे देख पाओगे ग्रीनिच मेरिडियन, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ पे वेस्ट लॉन्गिट्यूड दिया गया है। यहाँ पे 165 डिग्री का आपका जो गैप दे है, यहाँ पे -11 डिग्री, यहाँ पे -11 डिग्री, यहाँ पे 22 आवर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एस्टीमेट, डिफरेंट प्लांट्स स्पीसीज ग्रो टुगेदर एंड ऑप्शन टू में देगा लाइट कैन नॉट पेंटेड इन टू द लोअर सतर फुल ऑफ अंडर ग्रोथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज कैरेक्टर बाई द एबव। ऑप्शन ए में देखें इक्वेटोरियल मोस्ट एवरग्रीन, बी में देखें ट्रॉपिकल डेसिडियस, ऑप्शन सी में मेडिटेरियन एंड ऑप्शन डी में वार्म टेम्परेट बोर्ड लेवल डिसीडियस। क्वेश्चन में क्या पूछे, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ग्रो टुगेदर, जो डिफरेंट प्लांट्स है वो एक साथ में ग्रो करता है। एंड ऑप्शन टू में देगा लाइट कैन नॉट पेंटेड, जो लाइट है वो कैन नॉट पेंटेड इन टू द लोअर स्ट्रक्चर फुल ऑफ अंडरग्रोथ, जो लाइट वहाँ पे अच्छे से नहीं पहुँचते। तो ये कौन सा रीजन है, ऑप्शन ए में देखें इक्वेटोरियल मोस्ट ऑफ एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, सी मेडिटेरियन, सी वार्म टेम्परेट एंड बोर्ड लिव डेसिडियस। तो इसका जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल मोस्ट एवरग्रीन, क्योंकि यहाँ पे जो 4 o'clock रेन होता है ना आपको पता ही होगा यहाँ पे, तो उसके बाद जो गाय वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत गौर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन हाइस्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड अमाउंट रेट हाइस्ट कहाँ पे है, ऑप्शन में देखिएगा विड ग्राउंड, थिक क्लाउड, फॉरेस्ट, स्नो कवर। क्वेश्चन है पूछे फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन हाइस्ट। इसका आंसर रहेगा डी, यानी कि स्नो कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन प्लैनेट अर्थ देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, क्या पे होगा,
ऑप्शन ए में दे इक्वेटर, बी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड डी में पोल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि पोल्स में। यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला आपको पता ही होगा आप, क्योंकि इन्हीं का थ्योरी करता आपको, ये जो फिजिक्स का जो फॉर्मूला है ये शॉर्टकट आपको पता ही है, एम वी आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट डार्क प्लेन कॉल्ड मारिया फाउंड। ऑप्शन में दिया गया है मारिया फाउंड, क्वेश्चन में देगा मारिया फाउंड, ऑप्शन ए में देगा अर्थ, मार्स, जुपिटर, मून। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट डार्क प्लेन कॉल्ड मारिया फाउंड। तो इसका आंसर रहेगा डी यानी कि मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लंबा इन गुजरात इज फेमस फॉर विंड पावर प्लैनेट। ऑप्शन टू में देखा मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर जियो थर्मल एनर्जी प्लांट। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर जियो थर्मल एनर्जी प्लांट। ऑप्शन ए में देखा लंबा इन गुजरात फेमस फॉर विंड पावर प्लांट। ऑप्शन ए में देखा वन ओनली, बी और टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। इसका आंसर रहेगा सी यानी कि बोथ वन एंड टू जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि लंबा इन गुजरात इज फेमस फॉर विंड पावर प्लांट एंड टू में देखो मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर जियो थर्मल एनर्जी प्लांट। तो ये दो ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है, तो इसके साथ ये वीडियो का अंत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।